तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना। साथ में दोस्तों, जिनको नहीं पता है, हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है, अभी क्लास 55 आई थिंक मेरी कर दी है 55 तक, और 55 मैंने आपको बहुत अच्छा सेटअप बताया और उसके जो लिंक्स है मैंने आप सभी को दे दिए जिन्होंने मैसेज किया था। जो लोग मैसेज करते हैं उनको लिंक्स मिल जाते हैं, जो नहीं करते उनको नहीं मिलते, राइट। तो अगर आपको मिस हो गया है, मतलब क्लास नहीं मिला है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करने के बाद डायरेक्टली शॉट कर सकते हो मेरे यहाँ इंस्टाग्राम पेज पर। मैं आपको अपना जो प्राइवेट क्लास का लिंक है वो दे दूंगा। क्लास 55 मैंने आपको बहुत प्यारा सेटअप बताया है, आप उसको देखना, ऑब्जर्व करना और हो सके तो ट्रेड करके देखना, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा आपको, ठीक है। चलो दोस्तों, आज बात करता हूँ आपके साथ माई टॉप 10 पेनी स्टॉक लिस्ट, या दोस्तों पेनी स्टॉक पोर्टफोलियो जो आपको डेफिनेटली करोड़पति बना सकता है, राइट। अब थोड़ा बातों को समझना, राइट। कमेंट नीचे ऐसा मत करना कि भैया नए स्टॉक बताओ, एक इसको मोटिवेशन के लेना कि पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपी कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। गुड नहीं भैया, हेल अमाउंट ऑफ मनी, राइट। बस आपको रूल्स के ऊपर फोकस करना, जो बातें मैं कह रहा हूँ रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो कर लिया तो बिलीव मी, पैनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जितना आप लॉस करते हो डे ट्रेडिंग में, उतना ही आपको पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। रूल्स को फॉलो करो, पैसा भैया बाद में बनेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं बनेगा पैसा, लॉन्ग टर्म में बनेगा, ठीक है। बस रूल के ऊपर ध्यान दो, मैं रूल्स जो आपको बोलने वाला हूँ, जिसने रूल्स को कॉपी कर लिया बिलीव मी उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, बल्कि आसपास के लोगों की भी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे, लॉन्ग टर्म में ही दिखने वाले हैं, बिलीव मी, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना अगर आपके पास भी ये सभी स्टॉक्स है जिसने भी इन सभी स्टॉक्स से पैसा कमाया है, ठीक है। अब रूल्स फॉलो करना, मैं आपको कुछ स्टॉक बता रहा हूँ, अब मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इन पैनी स्टॉक को इस प्राइस में बाय करो, ठीक है। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, ऐसी मुक्ता मैं कभी नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि आपको भाई इस प्राइस में बाय कर लो, नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। आपको अच्छा लगता है आप बाय करो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ समझो। अभी बहुत सारे पेनी स्टॉक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं जो पेनी स्टॉक है, चाहो तो उनको आप बाय कर सकते हो। इनको एज अ मोटिवेशन लो कि मैंने कैसे इनको सिलेक्ट किया, मैंने कैसे इनमें इन्वेस्टमेंट करी, कितनी अमाउंट इसमें डालनी है, वो समझो, वो खेल है असली, ठीक है। असली खेल वही है, अगर आपको वो समझ आ जाता है तो भाई आप भी इन पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हो, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे पेनी स्टॉक्स तो बहुत घटिया होते हैं, ये होता है वो होता है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने रिसर्च नहीं करी पेनी स्टॉक के ऊपर, इसलिए वो आज ये बात कह रहे हैं। ध्यान रखना, टाइटन एक वक्त में पेनी स्टॉक था। टाइटन किसने बाई किया था? राकेश झुंझुनवाला, ठीक है। और आपने विजय केडिया जी का नाम सुना होगा, विजय केडिया जी भी किन स्टॉक से पैसा डालते हैं? जो 10 रुपये 12 रुपये के शेयर्स होते हैं, जाके उठा के देखना उनका पोर्टफोलियो, वो शेयर्स उन्होंने एकुमुलेट करके रखे हुए जो 10 से 12 रुपये के प्राइस में 20 साल पहले 15 साल पहले ट्रेड कर रहे थे, और आज की डेट में वो बहुत बड़े वहां पर क्या है, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो जो लोग ये लोग वो कौन कहते हैं यूट्यूब में जो भाषण देते हैं ना, भैया पेनी स्टॉक घटिया है, ठीक है, उन्होंने रिसर्च नहीं करी। आप अगर रिसर्च करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, तो बिलीव मी जो लोग नहीं करते वो भी लोग करना स्टार्ट कर देंगे कि पेनी स्टॉक को पैसा डालना चाहिए, लेकिन रूल्स को इम्पोर्टेंस देनी है। अब रूल्स क्या है, पहले रूल्स को समझो, फिर बात करेंगे आगे। रूल्स नंबर 1 है कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 2% हिस्सा जाएगा सीधा पेनी स्टॉक में। आप ये 2% के हिस्से को आप बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, 3% करो, 4% करो, जब आपको इतना रिटर्न दिखने लग जाए एक पेनी स्टॉक में, तब आप अपना बढ़ा सकते हो। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जैसे ही 100% का रिटर्न आए पैनी स्टॉक में, बुक द गेन। बुक द गेन मतलब होता है गेन को भैया लॉक करो उस समय, और प्रॉफिट को रहने दो इस बड़े गोल के लिए, क्योंकि इतना बड़ा गोल पाने के लिए ना, ध्यान रखना ये 1000% आपको दिख रहा है, ये पहले 2000% 3000% भी दिख रहा था, ठीक है। मैं चाहता तो पूरा पूरा एग्जिट मार सकता था, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि मेरा गोल है 3000 की जगह 10000% 20000% लेके लेने का। अब वो मैं तभी ले पाऊंगा जब मेरा इमोशन यहाँ पर जीरो होगा। अब इमोशन जीरो तब होता है जब आप रूल बेस्ड सिस्टम या ट्रेडिंग करते हो। अब रूल बेस्ड सिस्टम तभी हो पाएगा जब आपका कैपिटल वहां पर लगा ही ना हो स्टॉक में, समझ गए। इसलिए मैंने ये रूल बनाया, नंबर 2 जो है 100% की कैपिटल जैसे रिटर्न देखे बुक कर लो, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 और 2 को कभी नहीं तोड़ना है, ठीक है। इनको आप ट्विस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने रिस्क मनी मैनेज के हिसाब से, लेकिन इनको भैया प्रायोरिटी देनी है, इनके बिना कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो ये रूल्स को फॉलो करो, डेफिनेटली आप इतना बड़ा रिटर्न कमा सकते हो, 101%, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि भैया ये जो पेनी स्टॉक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में कि मैंने कब बाय किए थे, ये मैंने बाय किए थे ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल पहले, ठीक है।
मार्केट जब ऑल टाइम लो में भी नहीं थी, मतलब 2021 के शुरू में किए होंगे मेरे ख्याल से मैंने, ठीक है 20 के अंत में भी आप बोल सकते हो, हाँ 21 के शुरू में भाई। और तभी तभी ये पैनी स्टॉक्स भैया बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे रहे हैं। मेरे ये मैक्स आप बोल सकते हो नेट चेंजेस है जिसमें इंडिया इन्फो और ये सभी के सभी स्टॉक के वीडियोस ना हमारे यूट्यूब चैनल में पड़े हुए, आप जाके देखना। सभी के सभी मैंने आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही सजेस्ट किए थे, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। और आज स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। और एक और बात, पैनी स्टॉक में कभी भी स्टॉक को चेज नहीं करना है, पैनी स्टॉक को बाय करने में कभी चेज नहीं करना है, वेट फॉर द राइट प्राइस। अब राइट प्राइस का मतलब ये है कि इंडिया इन्फो आपका 14 रुपये तक गया था, 14 रुपये के बाद देखो 3 रुपये दोबारा आ गया। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि पैनी स्टॉक को चेज नहीं करना है, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्राइस का वेट करना है, समझ गए, राइट सेटअप का वेट करना। अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा और अच्छा प्राइस मिलने के बाद आप भी फिर बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि एक अच्छी एंट्री पूरा काम कर देती है। एक अच्छी एंट्री के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है और लोगों को ये सबर पेशेंस नहीं है कि वो एक इंतजार कर सके एक प्राइस को आने का, वो उसी प्राइस में टूट पड़ते हैं, जो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। तो इंडिया इन्फो 19 पैसे मैंने बाय किया था, उसको एवरेज भी किया था, तो अभी 3 रुपये से ट्रेड कर रहा है। इसका ऑलमोस्ट 43 पैसे में बाय किया था, आज 5 रुपये ट्रेड कर रहा है। सभी स्टॉक आप देख सकते हो, ये सभी पैनी स्टॉक है भैया। पीएमसी सबसे अच्छा स्टॉक मेरा, ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस था इसका, ठीक है, तभी आपका शेयर किया था। क्वार्टर एंड महाकॉप, महाकॉप तो 20 पैसे का शेयर था, 2-2.5 रुपये का टारगेट था, कब के अचीव हो चुके हैं। सभी में हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आप रिटर्न देख सकते हो यार। नेट से ये टॉप 10 पैनी स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो, जो सबसे ज्यादा गेन मुझे यही स्टॉक्स दे रहे हैं। बीच बीच में ये स्टॉक ना हमें 2500-3000% का भी गेन दे रहे थे, लेकिन अब मार्केट टूटी तो ये भी टूटे, ठीक है। लेकिन मेरे सेहत को फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी स्टॉक से, इन सभी स्टॉक से कैपिटल विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इन स्टॉक में मेरा जो रिस्क है वो 0 है, अब मैं सिर्फ प्रॉफिट से खेल रहा हूँ। अब प्रॉफिट या तो 0 होगा या फिर 1000 गुना, 10000 गुना, 20000 गुना होगा। इस साइकोलॉजी, इस माइंडसेट के साथ जाओगे पैनी स्टॉक में तो पैसा बनेगा। अदरवाइज भाई ध्यान रखना, जो मैंने आपको बात बोली ना टाइटन, अगर आपको ढूंढना है तो ध्यान रखना, ये स्टॉक 26 पैसे बाय किया था, 3 रुपये अभी ट्रेड करा, लेकिन 3 रुपये से पहले ये 14 रुपये तक गया था, 14 रुपये के बाद ये 3 रुपये आ गया, समझ गए। मैंने एक बात आपको बोली थी कि जो भी स्टॉक्स होते हैं वो नए हाई बनाने से पहले 70-80% का करेक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर हाई से करेक्शन करते हैं, हाई से देखो ये स्टॉक अपने हाई से कितना करेक्शन कर चुका है, ऑलमोस्ट 80%, समझ गए। तो यही स्टॉक्स होते हैं जो फ्यूचर में बड़ा हाईस बनाते हैं और नए हाईस क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनमें पोटेंशियल होता है भाई। देखो 19 पैसे ऊपर गया है तो नीचे कर करेक्शन कर भी थी तो क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। फर्क उनको पड़ता है जो लोग स्टॉक को चेज करते हैं, देखो यहाँ जो चेज करते हैं, इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, और हमने स्टॉक को यहाँ बाय किया जब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, कोई इनके बारे में बात नहीं कर रहा था, तब हमने स्टॉक को बाय करना स्टार्ट किया। एंड आज देखो स्टॉक्स आपके रॉकेट हो गए, समझ गए, मात्र 2 साल के अंदर इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है जो शायद किसी भी बड़ी कंपनीज में आपको देखने को ना मिले, राइट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताने का पर्पस ये है कि भैया पैनी स्टॉक पैसा बनता है, रूल को फॉलो करोगे तो बनेगा, और ये सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए बनाया गया वीडियो है, इसका एज अ मोटिवेशन लो। बहुत सारे पैनी स्टॉक जो मैंने आपको सजेस्ट कर रखे अभी भागे नहीं है, चाहो तो उनको आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। पैनी स्टॉक पोर्टफोलियो बिलो 1 रुपी मैंने डाले हुए वीडियोस, आप उनको देखो, ढूंढो, आपको मिलेंगे स्टॉक्स। और रूल्स मैंने आपको बताइए रखे पहले, रूल्स को फॉलो करो, रूल्स को प्रायोरिटी दो, उसके बाद आप स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर काम करो, ठीक है। रूल्स पहले है, उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन है, राइट। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। अच्छा करता हूँ, आपको सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन मिली होगी, क्योंकि भैया छुट्टी थी, मुझे लगा यही वीडियो बना देता हूँ, तो चलिए मैंने ये बना दिया। आप ही नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं इनमें से। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।